कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे सीएम मनोहर लाल ब्रह्म सरोवर तट स्थित गौड़िया मठ में चल रहे 3 दिवसीय विश्व वैष्णव सम्मेलन समारोह के समापन सत्र में शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गीता का कर्म संदेश आज भी प्रासंगिक होने के साथ साथ देश की गौरवशाली विरासत है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए संतों का स्वागत और अभिनंदन किया, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र मांझू के परिजनों से मुलाकात की, परिवार को सांत्वना दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार मांझू के परिजनों के साथ खड़ी है और परिजनों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद खूंगर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, आज सीएम जो है सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे, विश्व वैष्णव सम्मेलन में शिरकत की, क्या कुछ अपडेट, किस तरीके से जो है उन्होंने कहां संबोधित किया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर गौड़िया मठ एक ऐसा स्थान है जहां पर वर्षों के बाद राधा कृष्ण का मिलन हुआ था और इसी स्थान को गौड़िया मठ स्थापित किया गया। गौड़िया मिशन के जो संस्थापक है श्री शील प्रभुपाद ने इस स्थान पर की स्थापना की थी और आज इसी स्थान पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने जहां विश्व संत सम्मेलन में शिरकत की और वहीं पर उन्होंने प्रभुपाद के 150वें जन्मोत्सव के अवसर पर उनके जो एक स्मारक बनाया जाना, 2.5 करोड़ की लागत से एक जो स्मारक बनाया जाना उसकी जहां पर उन्होंने आधारशिला रखी, वहीं उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। तो ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो कुरुक्षेत्र की धरती है ये संतों की तप्त स्थली रही है और ये अपने आप में एक यहाँ पर आना ही एक अपने आप में महत्वपूर्ण, यहीं पर भगवान श्री की श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया और उन्होंने जहाँ संतों की जो चर्चा की और उन्होंने कहा कि आज जो युवा है उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाने की आवश्यकता है और युवा पीढ़ी अगर संतों महापुरुषों के आदर्शों और जीवनों का जीवन का अनुसरण करेगी तो ये अपने आप में समाज के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जी, और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल जो है शहीद डीएसपी सुरेंद्र के घर वालों के साथ भी मुलाकात की, उनके घर वालों को किस तरीके से सांत्वना देते हुए नजर आए? विनोद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के तुरंत उपरांत कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 में स्थित सुरेंद्र मांझी जो मेवात के अंदर माइनिंग माफिया के साथ भिड़ंत में मारे गए थे और शहीद हो गए थे, उनके परिजनों के साथ आज मुख्यमंत्री मिलने पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि जो हरियाणा सरकार है सुरेंद्र मांझी के परिजनों के साथ खड़ी हुई है और उन हर संभव से उनका सहयोग करेगी और उन्होंने उनके उनकी धर्मपत्नी से मुलाकात की, उनके बच्चों से मुलाकात की और यहाँ पर उनके परिजन के जो और भी लोग मौजूद थे उनके साथ भी अपने विचार साझा किए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए विनोद।